सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फंक्शन एंड प्रोसीजर। अब हमने ये देखना है कि भाई जो फंक्शन है और जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से बन रहे होंगे, और जो हमारा फंक्शन और प्रोसीजर है वो किस तरीके से काम कर रहे होंगे, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, फंक्शन का हेडर कैसे लिखेंगे, प्रोसीजर का हेडर कैसे लिखेंगे, पैरामीटर क्या होता है, वेरिएबल जो होते हैं फंक्शन और प्रोसीजर के दो टाइप के होते हैं, लोकल और ग्लोबल, ये सब हमने देखना है। स्टार्टिंग अप विद वेरिएबल्स। भाई दो टाइप के हमारे पास क्या है वेरिएबल, ठीक है, एक होता है हमारे पास लोकल वेरिएबल, और दूसरा क्या है ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है भाई, अभी लोकल वेरिएबल क्या होगा और ग्लोबल वेरिएबल क्या होगा, इसको हमने अंडरस्टैंड करना है। सो लोकल वेरिएबल हमारे पास क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल हमारे पास वो वेरिएबल होंगे जो कि हम अपने फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये आ गया फंक्शन, ये आ गया एंड फंक्शन। ठीक है, अभी ये पूरा पूरा हेडर मैंने इसका नहीं लिखा। फॉर इंस्टेंस समझ लेते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, लूप है, सही, इसके अंदर का ये सारा एरिया क्या है हमारे पास, इसकी बॉडी है, फंक्शन की बॉडी है जहां पर हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे या सूडो कोड लिखेंगे। तो भाई यहाँ पर हमारे पास जो वेरिएबल यूज होंगे वो क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल। ठीक है, इसी के अंदर हमारे पास क्या यूज हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें अब दोनों में फर्क क्या है, जब दोनों चीजें हमारे पास यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर लोकल भी यूज हो सकता है, ग्लोबल भी यूज हो सकता है, तो फिर अब इनके अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि भाई जो लोकल वेरिएबल होंगे वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर यूज होंगे, फंक्शन के बाहर ये लोकल वेरिएबल्स यूज नहीं हो सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास एक लोकल वेरिएबल है, क्या नाम है भाई, नम, तो भाई ये जो मेरा लोकल वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के अंदर यूज हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा इस लोकल वेरिएबल को तो ये मेरा लोकल वेरिएबल यहाँ पर नहीं चल रहा होगा। अगर मैंने नम के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करी है और फिर उसको मैं इधर बाहर आके प्रिंट करता हूँ तो ये चीज प्रिंट नहीं होगी जब तक मैं इसको रिटर्न नहीं करवाता। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास क्या है, मेरे पास है लोकल वेरिएबल, और लोकल वेरिएबल क्या करता है, लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर काम करेगा, फंक्शन के बाहर काम नहीं करेगा। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है भाई, ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो हमारे पास फंक्शन के बाहर भी काम करे और जो हमारे पास फंक्शन के अंदर भी काम कर रहा हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल वेरिएबल। ये बात समझ आई? ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, ये था हमारे पास लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का डिफरेंस। अब आते हैं भाई पैरामीटर। पैरामीटर हमारे पास क्या होता है, पैरामीटर हमारे पास वो वैल्यू होती है जो कि हम पास करवाते हैं अपने फंक्शन के अंदर या फिर अपने प्रोसीजर के अंदर। ठीक है, तो पैरामीटर हमारे पास क्या है भाई, पैरामीटर हमारे पास वो वैल्यू होती है, वो वेरिएबल होता है जिसको हम पास करवाएंगे अपने फंक्शन के अंदर, यानी उस वैल्यू को हम अपने फंक्शन के अंदर यूज कर रहे होंगे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास पैरामीटर। इसकी यहाँ पे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, वेरिएबल अप्लाइड या फिर पास्ट इन अ प्रोसीजर और अ फंक्शन। सो ये क्या करता है भाई, इट अलाउ द वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू है ये उसको अलाउ करेगा या वो हमारे क्या हो जाए, फंक्शन के अंदर या प्रोसीजर के अंदर यूज हो जाए या फिर पास हो जाए। पैरामीटर को हमने देखा था किसके अंदर, हमने लाइब्रेरी रूटीन में भी देखा था। तो अगर पैरामीटर को और ज्यादा डिटेल में हमने समझना है तो फिर हम कहाँ पर समझ सकते हैं भाई, लाइब्रेरी रूटीन वाली वीडियोस को देख के। तो यहाँ तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन है?
ठीक है चलो अब पढ़ते हैं कि भाई हमारे पास फंक्शन या फिर प्रोसीजर होता क्या है। फंक्शन और प्रोसीजर हमारे पास पार्ट है किसका, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का या फिर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का। सो फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई मेरे पास क्या है यहाँ पर, तो मैंने कहा भाई ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया मेरा मेन प्रोग्राम। ठीक है ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया मेरा मेन प्रोग्राम। अब इस मेन प्रोग्राम के अंदर ये वो प्रोग्राम होगा जो कि डायरेक्टली मैं जिसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाऊंगा। ठीक है पेपर वन में मैंने पढ़ा था एग्जीक्यूटेबल फाइल क्या होती है, तो ये वो प्रोग्राम होगा जिसकी मैं डायरेक्टली क्या बनाऊंगा, एग्जीक्यूटेबल फाइल बनाऊंगा, जो कि किसी भी अगर एप्लीकेशन के लिए मैं बना रहा हूँ तो ये डायरेक्ट उस एप्लीकेशन को रन करेगा। अच्छा अब फॉर इंस्टेंस कि भाई इसके अंदर मुझे लिखना है कोई 1000 लाइन्स का कोड, अब मैं सारे की सारे 1000 लाइन्स का कोड एक साथ नहीं लिखूंगा। ठीक है क्योंकि जब अगर मुझे इसमें कोई अपडेट करनी होगी तो फिर मुझे पूरी 1000 लाइन्स पढ़नी, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दो छोटे छोटे या दो से ज्यादा छोटे छोटे मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ लूंगा। ठीक है इस तरीके से, ठीक है इस तरीके से मैंने क्या कर लिया भाई, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ लिया। जब मैंने इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लिया तब होगा क्या कि अगर मुझे इस पार्ट में अपडेट करना है तो मैं इस पार्ट में क्या कर लूंगा, अपडेट कर लूंगा और जो भी अपडेट इस पार्ट में होगी वो इधर अप्लाई हो जाएगी। सिमिलरली जो अपडेट मैं इस पार्ट में करूंगा वो पार्ट की वजह से अपडेट होने की वजह से वो अपडेट खुद ब खुद इसके अंदर अप्लाई हो जाएगी, फिर मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है मेन प्रोग्राम में जाके। ठीक है सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या करती है या जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग है ये क्या करेगी भाई, ये हमारे लिए आसानी प्रोड्यूस करती है कि भाई जो भी हमने चेंजेस वगैरह करनी है वो हम इजिली कर सकते हैं, और वो इजिली क्या हो जाएगी भाई हमारे पास सेटल्ड हो जाएगी और ऑटोमेटिकली किसमें आ जाएगी, मेन प्रोग्राम के अंदर अप्लाई हो जाएगी। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने ये एक प्रोग्राम बना दिया। तो मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सब प्रोग्राम है मेरा। और इसी के जैसा एक और बना लेते हैं, ये मेरे पास क्या है, ये मेरा दूसरा सब प्रोग्राम है। ठीक है इसको हम एक और नाम दे सकते हैं और वो दूसरा नाम क्या है हमारे पास, मॉड्यूल। ठीक है इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो ये जो मेरे सब प्रोग्राम्स हैं या फिर ये जो मेरे मॉड्यूल्स हैं इनको जब मैं कंबाइन करता हूँ या कॉल करूंगा मेन प्रोग्राम में तो जो भी कोडिंग इसके अंदर हुई भी होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें यूटिलाइज हो जाएगी, यूज हो जाएगी। ठीक है सो अगर मैंने कहा यहाँ पर मैंने कोई भी कोडिंग करी हुई है, फॉर इंस्टेंस मैंने कहा यहाँ पर मैंने लिखा ठीक है इनपुट N1 N2 और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया प्रिंट X। ठीक है ये सबसे स्मॉलेस्ट हमारी कोडिंग आ गई कि हमने यहाँ पे क्या कराया भाई, दो वैल्यूज को ऐड करवा लिया। तो इस मॉड्यूल के अंदर मैंने क्या किया, दो वैल्यूज की एडिशन करवाई है। अगला मॉड्यूल मैं बना देता हूँ यहाँ पर, और अगले मॉड्यूल में मैंने कहा कि यहाँ पर अब मैं क्या करवा रहा हूँ, प्लस की जगह माइनस करवा रहा हूँ। ठीक है प्लस की जगह क्या करवा रहा हूँ, मैं माइनस करवा रहा हूँ। तब होगा क्या, अगर मुझे इस वाले मॉड्यूल को यूज करना है सबको, तो मैंने कहा कि भाई मैं यहाँ पर आके लिख दूंगा कॉल सब, और अगर मुझे दूसरे मॉड्यूल को यूज करना है तो मैंने कहा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉल सब टू। तो होगा क्या, ये चीज डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर कॉल हो जाएगी और ये वाले जो पूरा का पूरा कोड है ये मुझे बार बार यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे एडिशन करवानी है किसी भी दो नंबर की, फॉर एग्जाम्पल मेन प्रोग्राम में मुझे 50 टाइम्स एडिशन करवानी है किसी दो नंबर की, तो मुझे ये 3 लाइन्स हर दफा लिखनी पड़ती। तो अब क्या होगा, अब मुझे सिर्फ एक लाइन लिखनी है और ये डायरेक्टली एडिशन वाला काम खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है अब जो मुझे नंबर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे पैरामीटर पास करना होगा, वो पैरामीटर कहाँ पर आएगा, इन ब्रैकेट्स के बिटवीन में आएगा। ठीक है इस जगह पे क्या आएगा, पैरामीटर आएगा। यहाँ तक तो मसला, ठीक है मैंने कहा कि भाई ये क्या हो सकता है, ये मेरे पास हो सकता है, ये मेरे पास क्या हो सकता है, आइदर अ फंक्शन और अ प्रोसीजर। ठीक है तो ये जो मेरे दो मॉड्यूल्स हैं ये क्या हो सकते हैं भाई, ये हो सकते हैं आइदर अ फंक्शन या फिर प्रोसीजर।
चल मूविंग अहेड। चलो भाई, सो अब हम आते हैं किसके ऊपर, अब हम आते हैं मॉड्यूल्स के ऊपर। सो मैंने कहा भाई मॉड्यूल्स कितने होते हैं हमारे पास, मॉड्यूल हमारे पास दो होते थे, एक होता है हमारे पास फंक्शन और दूसरा मॉड्यूल क्या होता है बेटा, प्रोसीजर। सही है, तब भाई दोनों में फर्क क्या है, दोनों हमारे पास सेम चीजें होती हैं, बस एक छोटा सा फर्क है हमारे पास इसके अंदर। और वो छोटा सा फर्क क्या है कि भाई जो हमारा प्रोसीजर होगा ना वो क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू को, और जो हमारा फंक्शन होगा ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा। फंक्शन ऑलवेज रिटर्न्स अ वैल्यू, वैल्यू ये प्रोसीजर हमारे पास रिटर्न नहीं करता, ये इसको वैल्यू को कैलकुलेट करेगा, जो भी हमें उस पर प्रोसेस रन करना है वो करके अपने पास रखेगा। ठीक है, प्रोसीजर ठीक है, डू नॉट रिटर्न वैल्यू इसमें मेन प्रोग्राम में। ठीक है, कहां पर रिटर्न नहीं करेगा, मेन प्रोग्राम में नहीं करेगा, और ये कहां पर करेगा, मेन प्रोग्राम के अंदर करेगा। याद है कोई मसला? ठीक है, अच्छा अब फंक्शन का क्या है भाई हमारे पास, डेफिनेशन एक चीज तो ये हो गई, दूसरी चीज कि इट इज अ सेट ऑफ ठीक है, तो फंक्शन का हमारे पास क्या है, फंक्शन का यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन है कि भाई क्या है हमारे पास, सेट ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, सुडो कोड स्टेटमेंट है, सेट ऑफ सुडो कोड स्टेटमेंट है, जिसको हम क्या कर सकते हैं भाई, इजीली कॉल कर सकते हैं कहाँ पर, अपने मेन प्रोसीजर, अपने मेन प्रोग्राम के अंदर, जब भी हमें उसकी जरूरत है। ठीक है, जब भी वो चीज रिपीट हो रही है, जैसे कि मुझे जब भी एडिशन करनी है तो मैंने एडिशन वाला एक फंक्शन बनाया और उसको कॉल कर लिया। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, इससे रिड्यूस होगी रेपिटेशन ऑफ कोड। ठीक है, रेपिटेशन ऑफ कोड क्या हो जाएगी भाई, रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा अब यही चीज हमारे पास किसके अंदर भी होती है, यही चीज हमारे पास होती है प्रोसीजर में।
ठीक है। अब भाई अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस सिर्फ एक ही है और वो क्या है भाई, ये वाला, बाकी दोनों चीजें सेम है, दोनों के हमारे पास सब रूटीन है। यहां तक क्लियर है बात? ठीक चलो भाई, अब देखना हमने क्या फंक्शन किस तरीके से लिखा जाएगा। अच्छा, मैंने कहा कि भाई मुझे फंक्शन लिखना है, मैंने कहा भाई फंक्शन, फंक्शन के आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर फंक्शन का नाम आ जाएगा, जो चीज मैं ब्लू से लिख रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, इसके आगे ही आ गया ब्रैकेट, इसके अंदर मैंने कहा कि भाई वाई मैं यूज कर रहा हूँ एज स्ट्रिंग, ठीक है, और यहाँ पर इसके आगे रिटर्न्स, तो फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई ये रिटर्न करेगा क्या मुझे, इंटीजर, ठीक है, क्या कर रहा है भाई यहाँ पर, रिटर्न कर रहा है इंटीजर, ठीक है, इसको सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ मैं इसका अभी एक सैम्पल कोड लिख के दिखा रहा हूँ। जब हमने इसको फंक्शन को ओपन किया है तो हमें इस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा भाई, क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है, जो चीज ओपन करी है उसको क्लोज करेंगे जैसे लूप में करते थे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, एंड फंक्शन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, एंड फंक्शन। तो यहाँ पे ऊपर मैंने फंक्शन को ओपन किया, नीचे मैंने फंक्शन को क्या कर दिया भाई, क्लोज कर दिया। अब अंदर का क्या काम है, अंदर का काम मेरे पास ये है कि भाई इधर मेरे पास क्या आ जाएगी, पूरी की पूरी फंक्शन की बॉडी आ जाएगी, यानी यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँगा, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को जो भी मुझे बॉडी में लिखना है उसके वो लिख रहा हूँगा। किस तरीके से, कि भाई जो हमारे पास फंक्शन है उसके अंदर जो भी मुझे काम करवाना है, जो भी रिपीटिंग चीज मुझे करवानी है फंक्शन में, वो काम मैं इस एरिया में करवाऊंगा। जब वो काम या वो कोड मैं लिख दूंगा, तो वो कोड लिखने के बाद फिर मैं क्या लिखूंगा भाई यहाँ पर, रिटर्न, और फॉर इंस्टेंस मैंने कहा जेड, ठीक है, तो ये जो रिटर्न जेड हो रहा है, चलो तो इसी जगह मैं एक कोड लिख देता हूँ यहाँ पर, मैंने कहा कि भाई जेड के अंदर डाल देते हैं लेंथ, ठीक है, लाइब्रेरी रूटीन में लेंथ फंक्शन पढ़ा था, लेंथ ऑफ वाई, ठीक है, वाई क्या है भाई, वाई हमने पैरामीटर पास करवाया, ठीक है, वाई क्या पास करवाया, पैरामीटर। तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई लेंथ ऑफ वाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, जेड के अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है, लेंथ ऑफ वाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, जेड के अंदर स्टोर कर दिया। अब जो लेंथ होगी वाई की, या वाई के अंदर जो स्ट्रिंग है उसकी जो भी लेंथ है, वो क्या होगी भाई, इंटीजर डेटा टाइप की होगी। तो जब मैं रिटर्न कर रहा हूँगा जेड को, तो ये क्या आएगा भाई, इंटीजर डेटा टाइप का डेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ, तो ये कौन से डेटा टाइप का डेटा है, इंटीजर डेटा टाइप का डेटा, ठीक है, और ये जो इंटीजर डेटा टाइप का डेटा है ये क्या है भाई, लेंथ है ऑफ दिस स्ट्रिंग वाई। ये बात क्लियर हो गई? तो ये मेरे पास क्या आ गया भाई, ये मेरे पास एक छोटा सा वे आ गया जिसमें हम क्या कर रहे होंगे, फंक्शन को लिख रहे होंगे। अब इसको देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या चीज क्या है, ये क्या है भाई हमारे पास, ये है हमारा, ये क्या है भाई हमारे पास, ये है हमारा नेम ऑफ फंक्शन, ठीक है भाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है नेम ऑफ अ फंक्शन, ये जो भी मेरा फंक्शन है यहाँ पर उसका नाम आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास,
ये मेरे पास क्या है भाई, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है पैरामीटर, सो ये क्या रिटर्न करता है भाई, ये हमारे पास क्या है वाई स्ट्रिंग, ये हमारे पास पैरामीटर एंड इट्स डेटा टाइप, ठीक है, क्या हमारे पास पैरामीटर और उसकी डेटा टाइप, ये क्या है भाई हमारे पास, ये है हमारे पास डेटा टाइप ऑफ रिटर्निंग वैल्यू, ठीक है। अच्छा, जो पैरामीटर है, जैसे कि मैंने बताया था कि पैरामीटर क्या होता है बेटा, पैरामीटर हमारे पास होता है वो वैल्यू जो कि हम अपने फंक्शन में पास करवा रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने वाई को क्या रखा है, एज पैरामीटर रखा है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वाई को इस फंक्शन में पास करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर इसको और डिटेल में इसकी एग्जाम्पल को देखना है तो सब रूटीन वाला जो लेक्चर है वाले लेक्चर पे आप लोग जा सकते हो, और उस लेक्चर में जाकर जो हमने सब रूटीन करा है स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग फंक्शन के लिए हम क्या कर रहे थे कि फॉर एग्जाम्पल वाई में हमने कोई एक स्ट्रिंग डाल दिया था, फिर उसके बाद यहाँ पर सब स्ट्रिंग के अंदर डाल रहे थे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इस तरीके से। तो ये जो तीन चीजें हमने डाली हैं, तो ये तीनों क्या है बेटा, ये है हमारे पास पैरामीटर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास पैरामीटर होती है। तो जो वैल्यू इनके अंदर होगा वो पास हो जाएगा कहाँ पर, हमारे फंक्शन के अंदर। सब स्ट्रिंग क्या है, हमारे पास हमारा लाइब्रेरी रूटीन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ वाई है वो पास हो रही है कहाँ पर, फंक्शन के अंदर, और इसीलिए यहाँ पे मैंने जब लेंथ लगाया तो किस पे लगाया, मैंने वाई पे लगाया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये जो ये है हमारे पास इंटीजर, ये क्या है भाई, ये हमारे इस वेरिएबल की डेटा टाइप है। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या आ गई, फंक्शन की एग्जाम्पल आ गई। अगली चीज जो हमने देखनी है दैट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर एग्जाम्पल, तो मैंने कहा भाई प्रोसीजर को कैसे स्टार्ट करते हैं, प्रोसीजर को भी इसी तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये आ गया प्रोसीजर, यहाँ पर आ गया हमारे पास कंप्यूटर, ठीक है बेटा, ये हमारे पास है प्रोसीजर का नाम। ये आ गया वाई एज स्ट्रिंग, क्या यहाँ पर रिटर्न आएगा जल्दी से बताओ, क्या यहाँ पर रिटर्न आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास रिटर्न नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि भाई हम प्रोसीजर बना रहे हैं, तो जब हमें एंड करना है तो हम यहाँ पर किस तरीके से एंड करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे क्या, एंड प्रोसीजर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया भाई, एंड हो गया है प्रोसीजर। चलो अब अगली चीज कि भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर हमारे पास होगा बॉडी ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। यानी जो हमने अभी तक बेसिक सूडो कोड पढ़ा है, जितने भी तुम लोगों ने लेक्चर देखे हैं बेसिक सूडो कोड के, वो सारा का सारा बेसिक सूडो कोड इधर अप्लाई होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है। सो फॉर इंस्टेंस मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिक्लेयर N1 एज इंटीजर फॉर काउंट, फॉर काउंट 1 250, आउटपुट वाई कॉमा N1, और यहां पर आ गया क्या, नेक्स्ट काउंट, ठीक है भाई। तो ये हमने क्या किया है, यहाँ पे कोई हमारे पास कोई नई चीज नहीं है, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास वही चीज है जो कि हमने बेसिक सूडो कोड के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। वही लूप है हमारे पास, वही डिक्लेरेशन है, सब कुछ सेम है। तो ये था हमारे पास क्या, प्रोसीजर का पैटर्न, ठीक है, इस तरीके से, या प्रोसीजर की एग्जांपल के किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर प्रोसीजर का लिखा जाएगा, किस तरीके से हमारे पास प्रोसीजर लिखा जाएगा। अब बात आती है कि भाई हमारे पास एक वर्ड यूज होता हैडर और फुटर, ठीक है, प्रोसीजर का हेडर और प्रोसीजर का फुटर। तो ये हमारे पास क्या है भाई, ये पूरी चीज,
चलो इससे पहले मैं यहाँ पर एक चीज तुमसे पूछ रहा हूँ, जल्दी से जवाब दो। ये क्या है हमारे पास, कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है यहाँ पे हमारे पास? हाँ कंप्यूटर क्या है भाई हमारे पास? कंप्यूटर है हमारा नेम ऑफ प्रोसीजर। वाई क्या है यहाँ पर हमारे पास? वाई और स्ट्रिंग। ये है हमारा पैरामीटर एंड इट्स डेटा टाइप। ठीक है, पूरी चीज लिखनी है हमने। क्या है बेटा ये पैरामीटर आ गया हमारा, और ये क्या आ गई इसकी, डेटा टाइप आ गई। तो ये क्या है हमारे पास, पैरामीटर एंड इट्स डेटा टाइप। अगली चीज पर आते हैं, दैट इज हेडर और फुटर। सो कभी कभार एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई राइट द हेडर ऑफ फंक्शन एंड प्रोसीजर। ये क्या आ गया, फंक्शन। यहां पर क्या आ गया, प्रोसीजर। ठीक है भाई, एक साइड पे फंक्शन एक साइड पे प्रोसीजर। हेडर कैसे लिखेंगे अब इसका? मैंने कहा भाई हेडर लिखना कोई मुश्किल काम थोड़ी है, हेडर हमने सीखा है कैसे लिखते हैं। तो एग्जामिनर का भाई फंक्शन का हेडर लिख के दिखाओ, तो कैसे लिखेंगे फंक्शन, यहाँ पर आ जाएगा फंक्शन का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कहा कि भाई मेरे फंक्शन का नाम क्या है, हमजा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास फॉर एग्जाम्पल वाई एज स्ट्रिंग। और अब इसी के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिटर्न, जो भी हमारे पास रिटर्न होने वाली चीज की डेटा टाइप है। फॉर एग्जाम्पल रिटर्न इंटीजर। ये क्या है भाई, ये हमारे पास आ गया हमारे फंक्शन का हेडर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, हमारे फंक्शन का हेडर। ये नाम आ गया फंक्शन का, ये पैरामीटर और उसकी डेटा टाइप आ गई। ये क्या आ गई भाई, रिटर्न होने वाले वेरिएबल की डेटा टाइप आ गई, या रिटर्न होने वाले वैल्यू की डेटा टाइप आ गई। ठीक है भाई, तो हमारे पास क्या था, फंक्शन का हेडर। अब आते हैं फंक्शन के फुटर के ऊपर, सॉरी अब आते हैं प्रोसीजर के हेडर के ऊपर। प्रोसीजर का हेडर कैसे लिखते हैं, प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या है भाई, हमजा। और इधर क्या आ गया, वाई एस इंटीजर। बस ये आ गया क्या हमारे पास, प्रोसीजर का हेडर आ गया। क्या चीज का डिफरेंस है, रिटर्न का। प्रोसीजर रिटर्न नहीं करता तो उसको हम यहाँ पर रिटर्न नहीं लिखेंगे, फंक्शन रिटर्न करता है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे भाई, रिटर्न लिखेंगे उसकी डेटा टाइप के साथ, रिटर्न वाले होने वाले वैल्यू की डेटा टाइप के साथ। अगली चीज पर आते हैं, दैट इज फुटर। इसका फुटर, मैंने कहा भाई यहां पर आ गया हमारे पास हमारे फंक्शन का फुटर, और इस साइड पर प्रोसीजर। फंक्शन का फुटर क्या होगा, फंक्शन का फुटर होगा हमारे पास एंड फंक्शन। प्रोसीजर का फुटर क्या होगा हमारे पास, एंड प्रोसीजर। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास कुछ बेसिक चीजें अबाउट फंक्शन एंड प्रोसीजर। अगली क्लास में मैंने बताना है कि भाई किस तरीके से हम प्रोसीजर को और फंक्शन को डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, इस चीज को रिवाइज करके आना।
कि भाई हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी है, कि वेरिएबल क्या होता है, दो टाइप के वेरिएबल होंगे, लोकल और ग्लोबल। फिर उसके बाद पैरामीटर, पैरामीटर क्या होगा भाई, ये वो वैल्यू होगी जिसको हम पास कर रहे हैं अपने फंक्शन या प्रोसीजर के अंदर। फिर हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर हमारे पास एक मेन प्रोग्राम होगा जिसके अंदर फर्दर दो छोटे छोटे प्रोग्राम को हमने क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है। जो भी मैं चेंज इन प्रोग्राम में करूंगा वो चेंज ऑटोमेटिकली यहाँ पर मेन प्रोग्राम में हो जाएगा, मुझे कुछ भी चेंज करने की मेन प्रोग्राम में जरूरत नहीं है। तो अगर इंस्टाग्राम है जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो भाई उन्होंने भी क्या किया हुआ है, उन्होंने भी एक छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर अपने पास मॉड्यूल बनाए हुए, ठीक है, सब प्रोग्राम बनाए हुए। तो उनको कुछ भी चीज़ चेंज करनी है, अरेंजमेंट चेंज करनी है, उसने इस मॉड्यूल में अरेंजमेंट चेंज कर दी, तो ऑटोमेटिकली मेन प्रोग्राम में भी अरेंजमेंट सारे के सारे यूजर्स के पास चेंज हो गई, ठीक है। मॉड्यूल्स कितने हैं हमारे पास, मॉड्यूल दो हैं, एक है फंक्शन और एक क्या है प्रोसीजर। फंक्शन और प्रोसीजर दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों के यहाँ पर चीज़ें सेम है, वर्किंग क्या है सेम है, बस फर्क क्या है कि प्रोसीजर रिटर्न नहीं करेगा वैल्यू को और फंक्शन क्या करेगा भाई, रिटर्न करेगा वैल्यू को। आफ्टर दैट फिर हमारे पास फंक्शन की एग्जाम्पल क्या है, फंक्शन की एग्जाम्पल है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिखा भाई, फंक्शन लिखा, ये क्या है, इस चीज को क्या बोलते हैं, हेडर ऑफ अ फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे, फुटर ऑफ अ फंक्शन। और ये जो बीच में हमने किया है इसको क्या बोलते हैं, इस चीज को बोलेंगे बॉडी ऑफ अ फंक्शन। फिर आता है हमारे पास प्रोसीजर की एग्जाम्पल, ये आ गया हेडर ऑफ प्रोसीजर, ये आ गया बॉडी ऑफ प्रोसीजर, और ये आ गया फुटर ऑफ प्रोसीजर। बॉडी ऑफ प्रोसीजर या फिर बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर हमने अपनी प्रोग्रामिंग करनी होती है। हेडर कैसे लिखेंगे, हेडर कैसे लिखते हैं भाई, इस तरीके से। प्रोसीजर का हेडर कैसे लिखते हैं, इस तरीके से, ठीक है। ये क्या है भाई, नेम ऑफ प्रोसीजर, ये क्या है, नेम ऑफ फंक्शन। फुटर कैसे लिखेंगे, एंड फंक्शन और एंड प्रोसीजर। एंड करने से पहले यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं कि भाई जो हमारे पास 15 मार्क का क्वेश्चन है ये उसका पार्ट है, ठीक है। तो एक तरीके से हमने अपना 15 मार्क का क्वेश्चन शुरू कर दिया है। अभी तक जो 15 मार्क के क्वेश्चन आए हैं उनके अंदर दो चीजें हम देखी गई हैं, ठीक है। अभी तक जो 15 मार्क के क्वेश्चन आए हैं उनके अंदर दो चीजें देखी गई हैं। एक चीज क्या है कि भाई उसमें एरे यूज हो रहा है, ठीक है। उसमें क्या यूज हो रहा है, 1D एंड 2D एरे को यूज कर रहे हैं, ठीक है, साइड बाय साइड। दूसरी चीज देखी गई है कि भाई हमें यहाँ पर क्या यूज करना पड़ रहा है, फंक्शन और प्रोसीजर। ठीक है, तो 15 मार्क में ये दो चीजें देखी गई है। या तो वो बोलेगा कि भाई फंक्शन बनाना है, और फंक्शन बना के उसके अंदर बहुत बड़ी सी चीज देगा कि भाई इस फंक्शन, ये नाम है इस फंक्शन का, ये फंक्शन बनाना है और इसके अंदर ये काम करना है। तो हमें घबराना नहीं है भाई, हमने क्या करा, हमने सिर्फ से भी ये फंक्शन इस तरीके से बना लिया और इस फंक्शन के अंदर यहाँ पर सारा का सारा काम कर दिया, और जो चीज़ आउटपुट करनी है वो रिटर्न कर दी। सेम गोज विद प्रोसीजर, क्या बोलेगा कि भाई प्रोसीजर बनाना है, प्रोसीजर का कोई नाम दे देगा, बोलेगा भाई प्रोसीजर के अंदर ये काम करवाओ, तो भाई वो सारा का सारा काम हम प्रोसीजर में करवा लेंगे। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस करना है अप्रैल के अंदर। यहाँ तक कोई मसला, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। चलो भाई एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि राइट अ फंक्शन एवरेज इन विच टेक टू नंबर्स एज अ पैरामीटर एंड फाइंड इट्स एवरेज। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन आ गया। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो मेन चीज है वो है क्या, फंक्शन को क्रिएट करना। और इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन का नाम भी इसमें दे दिया है और वो क्या है, एवरेज। फिर हमें ये बात भी बता दी है कि हमें क्या करना है भाई, दो नंबर लेना है एज अ पैरामीटर, ठीक है। दो नंबर क्या लेना है भाई, एज अ पैरामीटर लेना है, और फिर एवरेज फाइंड आउट करना है। जल्दी से मुझे बताओ कि भाई यहाँ पर जो मेरी रिटर्न की डेटा टाइप होगी वो क्या होगी, जो वैल्यू मैं यहाँ पर रिटर्न करूंगा उसकी डेटा टाइप क्या होगी। ठीक है,
तो हमें क्या करना है भाई, फाइंड आउट करना है एवरेज. तो हमें रिटर्न यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर रिटर्न करनी है एक रियल वैल्यू. क्यों? क्योंकि भाई एवरेज हमारा हमेशा किसमें होगा, रियल में होगा. चलो इसका एक जल्दी से फंक्शन लिखते हैं. कैसे लिखेंगे? सबसे पहले स्टार्ट होगा फंक्शन, फिर उसके बाद यहाँ पर फंक्शन का नाम आ जाएगा. फंक्शन का नाम क्या था? एवरेज. फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्या लेने हैं, दो नंबर लेने हैं एज पैरामीटर. ठीक है, इधर क्या लिखते हैं हम, पैरामीटर लिखते हैं. तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैंने एक एक वैल्यू ले लिया है एन वन, दैट इज इंटीजर, कॉमा दूसरी चीज मैंने ली है एन टू, और ये भी क्या है हमारे पास, इंटीजर है. और यहाँ पर मैं रिटर्न करवाऊंगा रियल वैल्यू को. हमने यहाँ पर ये क्या लिखा है, इसका हेडर लिखा है. ठीक है, हमने यहाँ पर इसको क्या लिखा है, हेडर लिखा है फंक्शन. यहाँ पर आ गया फंक्शन का नाम, ये आ गया पैरामीटर, और फिर यहाँ पर आ गई रिटर्न होने वाली चीज की डेटा टाइप. अब हमें क्या करना है भाई, ये जो अंदर वाला एरिया है, अंदर ये वाला जो मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने एवरेज को फाइंड आउट करना है. एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे दो नंबर के लिए? सबसे पहले इनपुट पहले से हुआ हुआ है, अब यहाँ पर हमने इनपुट नहीं करवाना. ठीक है, इनपुट पहले से हुआ हुआ है. क्यों? क्योंकि भाई इसने हमें पैरामीटर के अंदर ही वैल्यूज दे दी हैं. अब एवरेज फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली काम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा. कि मैंने कहा कि भाई सम, तो मैंने यहाँ पर कहा 0, उसके बाद डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे सम को एज इंटीजर. एवरेज यहाँ पर मैंने एक ले लिया है, इसको भी 0 कहा, और इसको भी यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, डिक्लेयर कर दूंगा एवरेज एज रियल. ठीक है भाई, अब सम के अंदर स्टोर करवा रहा हूं मैं क्या, एन वन प्लस एन टू. एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मैंने कहा एवरेज अंदर सम डिवाइडेड बाय, जितने पैरामीटर लिए थे हमने दो, तो इधर आ गया 2. यहां तक हमने क्या कर लिया भाई, यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया है अपना एवरेज. अब क्या काम करना है, अब यहाँ पर हमने इसको रिटर्न करना है. तो सिंपली रिटर्न करने के लिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिटर्न एवरेज. तो ये काम हो गया हमारे पास कहाँ पर, ये काम हो गया हमारे पास फंक्शन के अंदर सारा. अब हमने क्या किया, अब हमने कहा कि भाई जो हमने यहाँ पर एवरेज फाइंड आउट कर लिया है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, एंड फंक्शन. तो ये हमारा एक फंक्शन क्रिएट हो गया. हमने यहाँ पर क्या किया भाई, हमने यहाँ पर दो वैल्यूज ले ली थी पैरामीटर में, सम को ऊपर इनिशियलाइज कर दिया, एवरेज को ऊपर इनिशियलाइज कर लिया. सम को यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर लिया, एवरेज को भी डिक्लेयर कर दिया. सम यहाँ पर कैलकुलेट किया दोनों नंबर्स को ऐड करके, एवरेज के अंदर मैंने यहाँ पर सम को डिवाइड करवा दिया 2 से. ठीक है, सम डिवाइड बाय 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो कि ऐड हो रही है. जिससे मेरे पास जो भी आंसर आएगा एवरेज का, वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा. क्योंकि मैं एवरेज को रिटर्न करवा रहा हूँ, तो इसकी डेटा टाइप क्या होगी, रियल. क्या ये बात समझ आई, ये क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, तो इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं. तो ये तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमने इससे फर्स्ट फंक्शन क्रिएट किया है. अभी अगर मुझे इस फंक्शन को यूज करना है, तो यूज करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, कॉल. फंक्शन का नाम क्या है, एवरेज. अब मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर देने, तो जल्दी से भाई कोई भी दो वैल्यूज बताओ जल्दी से. चलो 12 और 9 कर लेते हैं. तो भाई यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 12 और एक आ गया 9. सो ये जो दो वैल्यूज हैं, ये क्या है, मेरे पैरामीटर है. पैरामीटर इन अ सेंस कि जो एन वन था,
ये क्या है मेरे पास 12, एंड 2 था ये क्या है मेरे पास 9। जब मैंने ये चीज लिख दी थी, जब मैंने कॉल कर लिया अपने एवरेज के फंक्शन को, तो हुआ क्या, ये दो पैरामीटर इधर आ गए 12 और 9, इधर से फंक्शन स्टार्ट हुआ। ये पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग हमारे पास, ये पूरा का पूरा सूडो कोड क्या है, बेसिक सूडो कोड है जो कि हमने पिछली सारी क्लासेस में पढ़ा है। सम के अंदर क्या चला जाएगा, 0। ठीक है, सम को इनिशियलाइज करा दिया 0 से, एवरेज को इनिशियलाइज करवा दिया 0.0 से करवा देते हैं क्योंकि ये एवरेज वैल्यू है 0.0। ठीक है, सो एवरेज के अंदर क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है, सम के अंदर हमारे पास ये वैल्यू, इन दोनों को भी मैंने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, एवरेज को भी यहाँ पर मैंने डिक्लेयर कर दिया। नीचे आएंगे हम सम पे, सम के अंदर पहले से क्या स्टोर हुआ है, 0। ठीक है, एन वन की वैल्यू क्या है 12, एन टू की वैल्यू क्या थी 9, 12 प्लस 9 हमारे पास आंसर क्या आएगा 21। सम की वैल्यू क्या हो गई 21। अब मुझे एवरेज कैलकुलेट करना है, एवरेज के लिए हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, टोटल अपॉन काउंट। ठीक है, एवरेज का फॉर्मूला क्या था, टोटल अपॉन काउंट। तो टोटल बोले या सम बोले बात एक ही है, सो मैंने कहा सम अपॉन टू काउंट, यानी कितनी वैल्यूज का हम सम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो वैल्यूज का कर रहे हैं और ये बात मुझे पता है, तो मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया 2। सो 21 डिवाइडेड बाय 2, इसका आंसर क्या बनेगा 10.5। ये 10.5 क्या आ गया मेरे पास, एवरेज आ गया। ठीक है, ये 10.5 क्या आ गया मेरे पास, एवरेज आ गया। अब इसी एवरेज की वैल्यू को, यानी 10.5 को मैंने क्या कहा कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको रिटर्न कर रहा हूँ, यानी जो मेरा मेन प्रोग्राम है जहाँ पर मैंने इसको कॉल किया। जैसे हम इसको कॉल करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 10.5। ठीक है, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो हमने, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा कॉल करने पे, इसका आंसर इस तरीके से आ जाएगा कि डायरेक्टली मुझे आंसर शो करेगा, ये सारी की सारी चीजें मुझे शो नहीं होंगी। तो इतना बड़ा जो स्टेप हम कर रहे हैं, ये स्टेप सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में ही हमारे पास सॉल्व हो गया। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमने सब स्ट्रिंग पढ़ा था या लेंथ का फंक्शन पढ़ा था, तो वो क्या था हमारे पास, प्री रिटन कोड था, वो हमारा लाइब्रेरी रूटीन था, ये क्या हमारा सब रूटीन है, फंक्शन प्रोसीजर हमारा सब रूटीन होता है। सो मैंने कहा कि भाई एक वैल्यू है एक्स, एक्स को मैंने यहाँ पर कर दिया क्या, मैंने इसमें ये स्टोर करवा दिया एक्स के अंदर। अब मैंने कहा लेंथ और इसके अंदर मैंने एक्स डाल दिया, तब इसमें मुझे डायरेक्टली आंसर क्या मिल रहा है 5। तो यही काम होगा किसमें, यही काम होगा हमारे पास फंक्शन और प्रोसीजर के अंदर, बस फर्क क्या है, यहाँ पर मुझे पूरा लेंथ का फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऊपर मुझे पूरा का पूरा एवरेज का फंक्शन लिखना है जिसमें पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग हो रही है। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसको लेंथ एक्स किया है, तो ये एक्स क्या है, ये वो वैल्यू है, वो पैरामीटर है जो कि मैं इसमें से पास करवा रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये जो 12 और 9 है ये क्या है, ये भी वो पैरामीटर है जो कि मैं इधर पास करवाऊंगा ताकि ये इधर यूज हो जाए। ये बात समझ आई? ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर टू मैंने कहा कि भाई राइट अ प्रोसीजर, फाइंड या टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। अच्छा, ये काम करेंगे कैसे, अगर मुझे किसी भी फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है किसमें, सेल्सियस में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 32। सो मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर मुझे फ़ारेनहाइट से जाना है कहाँ पर, सेल्सियस में, तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को, ये जो भी मेरे पास टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 50 डिग्री है फ़ारेनहाइट, इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 32, तो ये मेरे पास क्या आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। और अगर मुझे सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना है तो मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 32, तो यहाँ पर आ जाएगा टेम्परेचर प्लस 32।
लाइक दिस। तो मैंने कहा भाई इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका सेम है। सबसे पहले प्रोसीजर, यहाँ पर नाम आ जाएगा प्रोसीजर का, प्रोसीजर का नाम मैंने ले लिया टेम्प। इसके अंदर मैं वैल्यू पास करवा रहा हूँ टी एज रियल, या फिर मुझे सेल्सियस से जाना है तो यहाँ पे मैं पास करवा देता हूँ सी। रिटर्न करेगा रियल, क्या ये मैंने सही लिखा है? जल्दी से बताओ क्या ये मैंने सही लिखा है? यहाँ पे गलती क्या है कि भाई मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, रिटर्न लिख दिया। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है, प्रोसीजर में हमारे पास रिटर्न नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा था ताकि चेक कर लूँ। 600 डिग्री लगेगा तो स्ट्रिंग होना चाहिए, है डिग्री लगेगा तो स्ट्रिंग क्यों होगा, स्ट्रिंग नहीं होगा। सेल्सियस में जो टेम्परेचर आता है हमारे पास वो कैसा होगा भाई? फॉर एग्जाम्पल 32 डिग्री हमारे पास टेम्परेचर है, तो अब 32 हम जो है टेम्परेचर में पुट इन करेंगे, यहाँ पर डिग्री नहीं पुट इन करते। ठीक है, सो यहाँ पर हमने क्या किया भाई, यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ 32 डालना है, या फिर फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर किसी जगह का हो गया 32.5 डिग्री, या फिर इसको मैं यहाँ पर कन्वर्ट कर देता हूँ इंटीजर में, सिर्फ इंटीजर वैल्यू जाएगी 27 डिग्री, 37 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर बनाने, अब इसका प्रोसीजर क्या बनेगा भाई, बहुत आसान सा प्रोसीजर इसका छोटा सा बन जाएगा। अब जो भी इसमें मुझे पैरामीटर मिला है, पैरामीटर क्या है, सेल्सियस में है, कन्वर्ट करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में। तो सेल्सियस को मैंने कहा कि भाई यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एफ ले लिया मैंने, एफ में क्या है भाई, 0 है। सो एफ के अंदर अब मैंने डाल दिया क्या, सी प्लस 32। ठीक है भाई, ये मैंने क्या कर दिया, फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर लिया। अब क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर में कुछ रिटर्न नहीं होता, तो मैं इसको इसी तरीके से एग्जैक्ट छोड़ दूंगा। ये मेरे पास क्या बन गया, मेरा प्रोसीजर बन गया। और इधर नीचे क्या आ जाएगा, एंड प्रोसीजर। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पे क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करने को बोला था, कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। अगर मुझे बोलता आउटपुट डी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो मैं यहाँ पर आउटपुट भी लिख देता। ठीक है, प्रोसीजर में मैं यहाँ पे क्या लिख देता, नीचे आउटपुट एफ लिख देता, लेकिन क्योंकि मुझे नहीं बोला तो मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा। ये क्या आ गया हमारे पास, एक प्रोसीजर आ गया। यहाँ तक कोई मसला? तो कॉल कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे इसका कॉल वाला फंक्शन? भाई अगर मुझे इसको यूज करना है, इस फंक्शन को, इसको मैं कैसे, किस तरीके से बुलाऊंगा या किस तरीके से यूज करूंगा? मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी चीज लिखूंगा, दैट इज कॉल। यहाँ पर आ गया प्रोसीजर का नाम, ये आ गया फॉर एग्जाम्पल 31, 31 डिग्री। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, प्रोसीजर को कॉल कर लिया।
कॉल का मतलब है, अगर मुझे इसको यूज करना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, कॉल। कॉल का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन यहाँ पे मैंने चीज लिखी है, प्रोसीजर का नाम, और यहाँ पर बीच में यहाँ पे क्या आ गया, इसका पैरामीटर आ गया। तो कॉल का मतलब होता है कि भाई हम कॉल कर रहे हैं किसको, अपने इस प्रोसीजर को इस वैल्यू पर, ठीक है, ये आता है कॉल। कॉल यहाँ पर इस वजह से लिखा है क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पूरे के पूरे प्रोसीजर के अंदर वैल्यू पास करवानी थी, वैल्यू पास करवा के मुझे इसका एक आंसर चाहिए था, तो मैंने इस वजह से यहाँ पे क्या लिख दिया, कॉल। दूसरे का कॉल समझ आया क्या होता है? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं भी तुम लोगों को दे रहा हूँ, तुम लोग भी सॉल्व करो। हेलो, इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके व्हाट्सएप पे सेंड करो।